लगभग 36.85% मतदान हुआ है और मतदान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जैसा आप लोगों ने देखा है और रिपोर्ट ली है। सुबह पहले विद्यार्थियों का पहले घंटे में 2% तक मतदान था, दूसरे घंटे में 7.5% तक मतदान गया था, तीसरे घंटे में 14% तक मतदान गया था। इसके पश्चात बाकी जो आवर्स हैं उनमें मतदान बढ़ा और बाद के आवर्स में 36.85% 14% से हो गया। लास्ट मोमेंट में कुछ बारिश आ गई तो मतदान पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बारिश 12:35 के बाद आई थी। अधिकांश छात्र करीब करीब आ चुके थे और कुछ छात्र लास्ट में भी दौड़ते हुए आए। आज हमने आई कार्ड कुल 144 आई कार्ड वितरित किए और उन विद्यार्थियों ने भी मतदान किया। तो पूर्व में कुछ व्यक्तियों द्वारा यह कहा गया था कि आई कार्ड बांटने में भारी धांधली की गई है, जिसका आप सभी के सामने यह प्रूफ हो गया है। हमारे 31 जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो दिनांक 16 अगस्त से आई कार्ड बाँट रहे थे फर्स्ट ईयर के, और 31 व्यक्तियों को मैंने कहा आज सुबह भी मतदान पर जाने से पूर्व सभी को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें निष्पक्ष मतदान कराना है और हमारी निष्पक्षता को सिद्ध करनी है। और इसमें आप लोगों ने जो हमारा मूल्यांकन किया होगा वो आप निश्चित रूप से उस रिपोर्ट को सभी से परिचित करेंगे। तो हमारे पर जो गलत और तथ्यहीन आरोप लगाए गए, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं एक ही निवेदन करूंगा कि पहले सही जानकारी ले और उसके बाद जो भी तथ्य हैं वो प्रस्तुत करें, जिससे कि शहर का या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं बिगड़े। और आप सभी ने विद्यार्थियों के लिए, हम लोगों के लिए जो सहयोग किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके द्वारा हमने समय समय पर जो सूचनाओं का संप्रेषण किया वो आपने प्रिंट मीडिया हो चाहे विजुअल मीडिया हो, आप सभी ने हमारी पूर्ण रूप से सहायता की है। और मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मेरी सभी सूचनाओं को जन तक, विद्यार्थी तक पहुँचाया है। और हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया है और अच्छी व्यवस्थाएं की है। और जो भी बात हमें कहनी थी उनको हमने कही और उन्होंने उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको लागू भी किया। तो मैं माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय का भी और उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। सर, लास्ट ईयर कितना परसेंट? लास्ट ईयर जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग इतने ही वोट 3200 वोट गिरे थे और इस बार जो वोट गिरे हैं वो लगभग 3100 वोट गिरे हैं। और लास्ट ईयर से स्टूडेंट्स की कुछ संख्या कम है, क्योंकि एमडीएस विश्वविद्यालय द्वारा इस बार रिजल्ट में बड़ी देरी की जा रही है। अभी तक भी एमडीएस विश्वविद्यालय ने पता नहीं किन कारणों से, इनके कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम और रजिस्ट्रार बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं कि वे अभी तक बीए ऑनर्स पार्ट 1 जो छोटी छोटी कक्षाएँ हैं जिनमें कि 30-40 बच्चे हैं उनके भी रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए हैं। बीए पार्ट 1 एक बहुत बड़ा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है, इस कारण भी विद्यार्थियों ने कम प्रवेश लिया है। और कुछ विद्यार्थियों को गलतफहमी हो गई थी कि जो बीए पार्ट 2 के आई कार्ड कम बैठे हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आया तो शायद वो बोर्ड देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैंने 8350 विद्यार्थियों को बल्क SMS 23 और 24 तारीख को भेजे हैं कि आप आई कार्ड लेने आएँ, चाहे आपका रिजल्ट आया है और नहीं आया है। उसके बाद सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे आए थे, तो विश्वविद्यालय की गलती के कारण कम विद्यार्थी बीए पार्ट 2 के और जिन कक्षाओं के रिजल्ट नहीं आए हैं वो कम अप्रोच कर पाए। सर, कल टाइमिंग क्या रहेगा? कल अभी मतगणना, ये मतदान पूरा हो गया है, पेटियां पैक हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन में साइंस और कॉमर्स की पेटियां पैक हो रही है, वहीं सीलचपड़ी उन्हें किया जाएगा। कला संकाय की लाल बहादुर शास्त्री भवन में पैक हो रही है। कुल हमारे पास 96 बॉक्स है 24 कमरों के, प्रत्येक पदाधिकारी का एक कमरे में 4 है और 96 बॉक्स है। हमने 2 गाड़ियां मंगा ली है, वो दोनों गाड़ियां अलग अलग बॉक्स में पुलिस की निगरानी में पैक होगी। और पुलिस के साथ ही हमारे जो सदस्य हैं वरिष्ठ 8 सदस्य हैं वो पुलिस के साथ वहाँ जाएंगे और ट्रेजरी में हैंडओवर करेंगे। और इसके पश्चात कल प्रातः 9 बजे वहाँ जाकर 10 बजे तक यहाँ ले आएंगे और 11 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी। काउंटिंग केवल लाल बहादुर शास्त्री भवन में 4 पदों के लिए है। इसके लिए हमने अध्यक्ष पद प्रथम फ्लोर पर और महासचिव पद प्रथम फ्लोर पर रखा है और उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद की जो काउंटिंग है वह लाल बहादुर शास्त्री भवन के ग्राउंड फ्लोर पर होगी।